स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत उनको रोजगार के लिए 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपना रोजगार कर सके तथा आसान किस्त में उनका भुगतान भी कर सके। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि इस योजना का शुभारम्भ 1 जुलाई से किया जाएगा, जिसके तहत वेंडर्स को आसान ऋण की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जिले में लगभग 18,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि रोजगार के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट करने वाले दुकानदारों को उनके ऋण भुगतान में विशेष छूट दिया जाएगा, जिससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, 1 जुलाई से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इस पे खास तौर पे स्ट्रीट वेंडर्स है, छोटी छोटी व्यापारी लोग होते हैं, वैसे सब्जी ठेला लगाने वाले सभी लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज ऐलान किए हैं। उसी के करीब गोरखपुर में 18,000 उसी श्रेणी का लोग है, खास तौर पे ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो छोटी छोटी उद्योगपति लोग हैं, उद्योग करते हैं, उन्हीं लोग का 10,000 रुपया ऋण के जरिए से अनसिक्योर्ड लोन है, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी सीधे बैंक के जरिए से मिल जाएगा। उसको आसानी किस्त 12 महीने किस्त से उनको धीरे धीरे देना होगा। 900 से 1,000 रुपया के बीच में किस्त बनता है। यदि समय से वो किस्त देंगे फिर उसका छूट भी मिलता है, उनका अच्छा खासा छूट मिलता है उनको। और साथ साथ डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साथ साथ एक अभियान चलाया, यदि महीने में 50 ट्रांजैक्शन वो डिजिटल माध्यम से वो करेगा, मतलब भारत QR कोड है और जो ई पेमेंट है और किसी भी पेटीएम जो भी माध्यम है ई पेमेंट का वो छोटी व्यापारी करने लगेगा 50, उसको प्रति महीने उनको 100 रुपया का अलग छूट मिलेगा। उसी के हिसाब से पूरे साल में 1,200 रुपया अलग उनको छूट के जरिए से मिलेगा। ये योजना 2 तरह का है, एक तरफ से इस समय में जो बहुत लोग परेशानी में थे, उनका पूंजी नहीं मिल रहा था, उसको सरकार ने सहयोग के रूप से 10,000 रुपया दे रही है। दूसरा जो डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा देना है और जनता को भी आदत डालने के लिए ये मुहिम चलाया जा रहा है। 1 जुलाई से हम लोग गोरखपुर से चलाएंगे इसको।